देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमने ब्लैक कलर रोल लिया है, ये हमारा 10 नंबर क्रश है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम मैजिकल रिंग लेंगे इस तरीके से, एंड मैजिकल रिंग के अंदर हम 2 चैन लेंगे, एंड फिर यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो टोटल हमें 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो मैं आपको ये 12 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करके उसके बाद दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 12 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं, एंड अब हम यहाँ पे मैजिकल रिंग को टाइट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने मैजिकल रिंग को यहाँ पे टाइट कर दिया। अब हमने यहाँ पे जो चेन लिया था यहाँ पे इसे इस तरीके से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, एंड मैजिकल रिंग को अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने टाइट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे 1 चेन लेंगे, एंड यहाँ पे हर एक सिंगल क्रोशिया में हमें फर्स्ट वाले में 1 बार बनाएंगे, एंड सेकंड वाले में सेम जगह से 2 बार बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में हम 1 बार बनाएंगे, एंड फिर नेक्स्ट वाले में सेम जगह से हम 2 बार बनाएंगे। इस तरीके से ये रो हमें पूरी कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको ये रो पूरी कंप्लीट करके उसके बाद दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया, एंड जो हमने 1 चेन लिया था यहाँ पे इस तरीके से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, एंड यहाँ पे 2 राउंड हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे 1 चेन लेंगे, एंड इस राउंड में हमें फंदे बिल्कुल भी नहीं बढ़ाने हैं, हर एक में हमें सिर्फ एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इस बार की रो में हमें एक भी फंदे नहीं बढ़ाने हैं, ये पूरी सिंपल रो जाएगी। एक एक फंदे हर एक चेन में बुनेंगे। तो मैं आपको ये रो कंप्लीट करके उसके बाद दिखाते हैं। तो ये देखिए तीसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, एंड यहाँ पे जो हमने 1 चेन लिया था ये देखिए यहाँ पे जो हमने 1 चेन लिया था इस तरीके से इसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, एंड यहाँ से अब हम कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम अब येलो कलर लगाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट हम सेम जगह से डाल के 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, एंड फिर यहाँ पे 1 2 2 चेन लेंगे, एंड फर्स्ट हम सेम जगह से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एंड नेक्स्ट वाले में से फिर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एंड फिर सेम जगह से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया इसमें बनाए, 2 डबल क्रोशिया इसमें, एंड फिर यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एंड फिर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारे टोटल 3 हो गए। यहाँ पे हमने चेन भी लिया था, तो यहाँ पर अब हम 3 चेन लेंगे, एंड चेन का इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे, एंड फिर हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाले में इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, एंड फिर हम यहाँ से 2 चेन लेंगे, एंड नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एंड फिर 3 चेन, एंड यहाँ पे चेन को स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे।
एंड फिर हम सेम जगह से दो डबल क्रोशिया एंड फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। एंड फिर हम यहाँ पे दो चेन लेंगे इस तरीके से। ये पूरी राउंड में हमें कंप्लीट करना है, तो मैं आपको यहाँ तक कंप्लीट करके उसके बाद दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है एंड यहाँ पे हम इस तरीके से इसे लास्ट वाले में सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला है यहाँ पे इसे फर्स्ट वाले चेन में डाल के इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे एंड ऊन को नॉट लगा के कट कर देंगे। एंड आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो गया है। आप इसे थाल पोस में, तोरण में एंड टेबल कवर में भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।